तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर साइन हो रहे हैं और केसी वेणुगोपाल एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं। लिस्ट पर वेणुगोपाल साइन कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। तो ये भी माना जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में इंतजार अब खत्म होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची, क्योंकि केसी वेणुगोपाल एआईसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लिस्ट जो फाइनल मोहर जिस लिस्ट पर लग चुकी है उस पे साइन कर रहे हैं और इसके बाद माना जा रहा है कि अब लिस्ट सबके सामने होगी, लिस्ट का ऐलान होगा, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। जो 70 के आसपास नाम बताए जा रहे थे, जो कयास अलग अलग लगाए जा रहे थे, वो अब क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे नाम होंगे इस लिस्ट में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर साइन किए जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लिस्ट पर अब कभी भी जो ऐलान है वो किया जा सकता है, कितने उम्मीदवार होंगे, कौन कौन से ऐसे नाम होंगे। हालांकि जो संभावित नाम थे वो सच बिधड़क ने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए थे, अधिकतर नाम इसमें विधायकों के और मंत्रियों के होंगे। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर ये लिस्ट सामने नहीं आती, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अब कुछ ही देर का, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जब कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट सामने होगी। तो साइन किए जा रहे हैं केसी वेणुगोपाल के द्वारा, एआईसीसी मुख्यालय वो पहुंच चुके हैं, वहां पर साइन किए जा रहे हैं। तो अब लंबा इंतजार, क्योंकि देखिए बीते दिन भी लिस्ट आने वाली थी और इस लिस्ट को होल्ड कर दिया गया था, लेकिन अब आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है और विशेष संवाददाता दिनेश डांगे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, साइन हो रहे हैं लिस्ट पे, तो अब मान के चले कि इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के हस्ताक्षर से ही लिस्ट जारी होती है, अन्य जो चार राज्य तो अब से थोड़ी देर पहले जो एआईसीसी के अंदर 19 नंबर रूम है उससे ये जो लिस्ट टाइप करने का या जो प्रिंटर का काम है वो होता है। तो वो अपने साथ लिस्ट लेकर केसी वेणुगोपाल के रूम में मौजूद है और अंदर उस पर एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है। केसी वेणुगोपाल जो लिस्ट जारी होने से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो औपचारिकता होती है, उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और जैसे ही साइन उनके होंगे एक बार फिर वो कर्मचारी जो एआईसीसी है वो अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे और उसके बाद मीडिया विंग पे वो लिस्ट जाएगी और उसके बाद मीडिया एंड पब्लिकेशन जो विंग है उसकी तरफ से वो लिस्ट है पब्लिश की जाएगी, मीडिया कर्मियों को दी जाएगी। ये एक प्रोसीजर होता है किसी उम्मीदवारों की सूची जारी करने का। तो फिलहाल केसी वेणुगोपाल के रूम सब की धड़कने उसके सामने बढ़ी हुई, अंदर जो लिस्ट है वहां पर पहुंच चुकी है और उनके हस्ताक्षर यहां पर हो रहे हैं और हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया विंग को सूची है वो ली जाएगी। यहां पर दावेदार और समर्थक है वो भी एआईसीसी के अंदर जुटे हुए हैं कि कब इसका इंतजार। मतलब दिनेश जी, कहा जाए कि आखिरी एक प्रोसीजर जो मोहर लग चुकी थी अब उस पर साइन किए जा रहे हैं और अब लिस्ट का ऐलान सबके सामने होगा। जी बिल्कुल, एक्सेल शीट के अंदर जो नामों की लिस्ट है वो तैयार है, उस पर साइन होते हैं और उस पर मोहर लगती है, उसके बाद मीडिया विंग में वो भेजी जाती है और फिर जो मीडिया एंड पब्लिकेशन जो विंग है एआईसीसी की वो मीडिया कर्मियों को और विधायकों को। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब कुछ ही देर में लिस्ट जारी हो जाएगी, केसी वेणुगोपाल लिस्ट पर साइन कर रहे हैं, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे लिस्ट लेके। तो ये लास्ट अब प्रोसीजर माना जा रहा है, जो कि अब फाइनल मोहर लग चुकी है लिस्ट पे और साथ ही साथ अब साइन किए जा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं। तो अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, थोड़ी ही देर का समय बचा है जब कांग्रेस की पहली सूची और कौन कौन से नाम होंगे जिसका सभी को इंतजार था वो लिस्ट अब सबके सामने होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और संभावित नाम भी आपको बताएं। हालांकि देखिए कोई संशय नहीं है इस बात में कि जो पहली सूची होगी उसमें अधिकतर विधायकों के और मंत्रियों के नाम होंगे, क्योंकि जिस तरह से विरोध देखा जा रहा था, अब उस विरोध को, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो पहली लिस्ट है उसमें कुछ नए चेहरे हो सकते हैं और अधिकतर मंत्री और विधायक होंगे इस लिस्ट में, ऐसा कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 70 के आसपास इस लिस्ट में नाम हो सकते हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर साइन हो रहा है, केसी वेणुगोपाल एआईसीसी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, लिस्ट पर साइन कर रहे हैं। तो ये अब थोड़ी ही देर का इंतजार होगा, काउंटडाउन शुरू हो गया है और कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। कौन से वो ऐसे नाम होंगे, किन के टिकट कटे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है।
और ये एक्सक्लूसिव विजुअल सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। एआईसीसी मुख्यालय के ये विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें एआईसीसी के बाहर की है, हलचल भी आप देख सकते हैं अंदर। यहाँ पर एआईसीसी मुख्यालय में केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, जो लिस्ट है उस पर साइन कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और केसी वेणुगोपाल यहाँ मौजूद हैं एआईसीसी दफ्तर में, जहाँ लिस्ट पर वो साइन कर रहे हैं और कुछ ही देर का, हालांकि अब देखिए दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, घंटों का इंतजार भी शायद ना करना पड़े, क्योंकि देखिए कल से ही टकटकी लगाए हुए सब लोग बैठे हुए थे कि लिस्ट कब आएगी। लेकिन अब इंतजार बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट अब जल्द जारी होगी। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर हलचल तेज हो गई है, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर साइन हो रहे हैं। और ये अब बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के निकलने का बाहर इंतजार है, उसके बाद लिस्ट सामने होगी, कौन कौन से नाम होंगे। हालांकि देखिए लिस्ट के बारे में जानकारी आपको सच बेधड़क लगातार दे रहा है कि जो संभावित नाम है वो भी आपको बताए, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो नाम होंगे वो कौन से होंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो कुछ ही देर का इंतजार होगा, हालांकि यही कहा जाए कि मिनटों का इंतजार होगा, जब केसी वेणुगोपाल बाहर आएंगे उनके हाथ में वो लिस्ट होगी और उसके बाद इस लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो जहां एक तरफ टकटकी बीजेपी की दूसरी सूची पे लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची पर भी सबकी टकटकी लगी हुई है और यहां पर नजर बनाए हुए हैं। सच बेधड़क लगातार आपको अपडेट दे रहा है लिस्ट के बारे में, संभावित नाम भी आपको बताए। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर जो आपको दिखाई हमने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर की, हलचल वहां पर तेज है, क्योंकि देखिए जो भी दावेदार हैं और जिनके नाम, जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार इसमें लिस्ट में होने वाले हैं, उनको भी इंतजार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की उम्मीदवारों की लिस्ट से जुड़ी हुई। हालांकि इस लिस्ट में देखिए जो सहमति थी वो पहले नहीं बन पाई थी, क्योंकि 106 के लगभग नाम थे जिन पे सहमति बनी थी, लेकिन उसमें से भी कई सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर राहुल गांधी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद अब फाइनली जो फाइनल मोहर होती है वो लिस्ट पे लग चुकी है और तमाम लोग आपको एआईसीसी मुख्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि देखिए इतने दिनों का इंतजार, बीते दिन भी लिस्ट आना बिल्कुल तय था लेकिन उसके बाद भी लिस्ट को होल्ड किया गया। और देखिए कल बीते दिन भी एक तस्वीर सामने निकल के आई थी, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों की तस्वीर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हुए, और वो एक मैसेज था एकजुटता का। और अब एकजुटता के संदेश के बाद अब इंतजार तो सिर्फ उम्मीदवारों की सूची का है, जिसका बेसब्री से इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इंतजार यहाँ जो सभी लोग यहाँ पर हैं, हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। केसी वेणुगोपाल कभी भी बाहर निकल सकते हैं।